Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Analog Circuits. The subject code is KEC402 and here we are in lecture number 41. So in the previous lecture, hum logon ne start kiya tha MOS current mirror, kya concept hota hai, what is the VI characteristic and how the output resistance of a MOS current mirror is calculated. Now, in this lecture, उसी MOS current mirror के बारे में बात करने वाले हैं, but यहाँ पे हम देखेंगे about MOS steering circuit क्या होता है, किस तरह से हम एक particular current को different different locations पे कैसे पहुँचाते हैं. Then हम यहाँ पे बात करेंगे Wilson current mirror की, that is the variant of your current mirror, और Wilson current mirror में क्या problem थी जो कि modified Wilson mirror current आया है. Right? So, इन सभी topics को जाने के लिए चलिए अपना lecture start करते हैं on MOS steering circuit and Wilson current mirror. So, फर्स्ट वन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ MOS करंट स्टेरिंग सर्किट क्या होता है. सो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि करंट मिरर क्या कर रहा है. करंट मिरर या करंट सोर्स, वंस अ करंट सोर्स इज जनरेटेड, इट कैन बी रेप्लिकेट टू प्रोवाइड डीसी बास करंट फॉर द वेरियस स्टेजेस इन एन आईसी. राइट, हमने यही बोला था ना, मैंने आपको यही बोला है कि एक करंट मिरर सोर्स से जब आपने एक पर्टिकुलर करंट को जनरेट कर लिया, एक करंट सोर्स ने आपको एक आउटपुट करंट दे दिया, तो दिस आउटपुट करंट कैन बी यूज टू फर्दर एट द डिफरेंट लोकेशन ऑफ योर इंटीग्रेटेड सर्किट. दिस प्रोसेस इज नोन एज करंट स्टीयरिंग. मतलब आपका एक इनपुट सोर्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भी करंट को कंट्रोल कर रही है, सेम करंट वहां पे पहुंचा रही है, इसी चीज को हम बोलते हैं करंट स्टीयरिंग प्रोसेस. राइट, इस पे बेस्ड अगर मैं सर्किट आपको दिखाऊं तो ये एक सिंपल सा सर्किट है. आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा बेसिक करंट मिरर है जो अभी तक हमने स्टडी किया है. नाउ दिस सेम करंट मिरर विल ड्राइव विद दिस ट्रांजिस्टर, यानी यहाँ पे Q1 और Q2 तो एक सेम बेस कनेक्टेड है, सेम गेट कनेक्टेड है, साथ में Q3 पे भी हमने वही सेम VGS अप्लाई कर दी है, तो Q3 भी हमारा ऑन द सेम VGS, यानी कि एक तरह से ये भी करंट मिरर फॉर्म कर रहा है. राइट, तो अगर मैं अपना वही बेसिक फॉर्मूला लगाऊं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, करंट मिरर यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाता है कि बेसिकली आउटपुट करंट और इनपुट करंट किस रेशियो पे डिपेंड करते हैं. I2 इज इक्वल टू बनेगा I रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय W/L2 डिवाइड बाय W/L1, और अगर दोनों ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम सिमेट्रिकल हैं तो उस केस में दोनों करंट इक्वल हो जाती हैं. वहीं पे I3 भी क्या बनेगा, I3 इज इक्वल टू I रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय W/L3, यानी इसका विथ और लेंथ, चैनल लेंथ विथ और लेंथ रेशियो डिवाइड बाय विथ ऑब्लिक लेंथ रेशियो ऑफ ट्रांजिस्टर Q1. तो अगर हम ये बोलते हैं कि Q1 और Q3 दोनों सेम चैनल विथ और लेंथ रखते हैं, सेम ज्योमेट्री है, तो यानी I3 किसके इक्वल हो गया, I3 भी हमारा I रेफरेंस के इक्वल हो गया. यानी कि हम एक ही करंट सोर्स जो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंगल सप्लाई वोल्टेज, इस सिंगल सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस की हेल्प से जो यहाँ करंट जनरेट की जा रही है, जो सोर्स है वही करंट आपकी एज इट इज I2 में भी फ्लो कर रही है, वही सेम करंट आपकी I3 में भी फ्लो कर रही है. राइट, और करंट के अलावा हमने यहाँ पे एक और चीज स्टडी करी थी, दैट इज व्हाट, दैट इज मिनिमम सस्टेनेबल वोल्टेज. यानी कि अगर मैं कहता हूं I2 इज इक्वल टू I रेफरेंस और I3 इज इक्वल टू I रेफरेंस, तो इसका मतलब है कि Q1 जो कि ऑलरेडी सेचुरेशन में है तो Q2 भी सेचुरेशन में होना चाहिए, तभी तो I2 ऑपरेट होगा ना I रेफरेंस के इक्वल. और Q2 सेचुरेशन में कब होगा या Q3 सेचुरेशन में कब होगा, व्हेन दिस आउटपुट वोल्टेज यानी Q2 का जो VD है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस ओवरराइड वोल्टेज जो हमने पढ़ा था, दैट इज VGS minus VT, that is called the override voltage. और क्योंकि आप इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे एक सोर्स नीचे भी साइड लगी है, that is minus of VSS, तो यहाँ पे लिखा गया कि इनकी जो ड्रेन वोल्टेज है, ड्रेन वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ VSS प्लस ओवरड्राइव वोल्टेज कॉन्सेप्ट. तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक MOS को सेचुरेशन रीजन में लाने के लिए जो उसका आउटपुट वोल्टेज है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स ओवरराइड वोल्टेज. राइट, तो करंट स्टीयरिंग सर्किट क्या कर रहा है, इनपुट करंट को एक तरह से डिफरेंट लोकेशन में मूव करा रहा है. अब आप यहां देखो, इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो I3 करंट वाली ब्रांच है ये बेसिकली आपकी Q4 Q5 एक अनदर ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन है, एक अनदर MOS कॉम्बिनेशन है जो कि फिर से सेम गेट कनेक्टेड है, यानी कि ये फिर से एक करंट मिरर फॉर्म कर रहे हैं. तो अगर ये दोनों करंट मिरर फॉर्म कर रहे हैं दैट मींस इसका जो I5 आउटपुट करंट है वो इसके I4 करंट के बराबर हो जाएगा विद सम रेशियो. तो रेशियो क्या लगेगा, यानी Q4 और Q4 हम यहां लिख सकते हैं Q4 एंड Q5 फॉर्म्स करंट मिरर, सो दैट दिस I5 करंट इज इक्वल टू व्हाट, I4 W/L5 डिवाइड बाय W/L4. और ये बेसिकली I4 करंट क्या है, दिस I4 इज नथिंग बट दिस I3. तो अल्टीमेटली आप देखो अगर आप इस पूरे सर्किट को कनेक्ट करो, सो I रेफरेंस इक्वल टू I3 हुआ, अल्टीमेटली I3 I4 के इक्वल है, और क्योंकि मैंने यहां पे फिर से करंट मिरर फॉर्म किया तो यही I4 कहां पहुंचा है, यही I4 I5 पे ही पहुंचा है. दैट मींस यही सेम इनपुट करंट आपने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में पहुंचाने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज करंट स्टीयरिंग सर्किट. और अगर वही सेम काम करूं कि I5 I4 के इक्वल होगा कब, When this Q5 in saturation, और Q5 अगर आप यहां पे देखोगे तो this is basically PMOS,
यहाँ पे जो बेसिकली करंट मिरर फॉर्म हुआ है ये हमारा पीमॉस करंट मिरर है। तो पीमॉस करंट मिरर के लिए जस्ट हमारी जो सैचुरेशन के लिए ड्रेन वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो अपोजिट हो जाती है। अगर मैं एनमॉस के लिए बात करता हूँ तो दिस वीडीएस इज ग्रेटर देन ओवरराइड वोल्टेज, वहीं पे पीमॉस के लिए क्या हो जाएगा, दिस वीडीएस मस्ट बी लेस देन वीडीडी माइनस दिस ओवरड्राइव वोल्टेज। तो दिस इज द कंडीशन फॉर योर मिनिमम सस्टेनेबल वोल्टेज, और यू कैन से द आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन दिस ट्रांजिस्टर Q5 इन सैचुरेशन रीजन, राइट। सो अगर आपको मॉस स्टीयरिंग सर्किट के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो एक लाइन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस सर्किट का यूज करके मैं अपने करंट सोर्स को, जो हमने करंट यहां पे जनरेट कर लिया है, इस करंट को अपनी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मूव करा सकता हूं, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट स्टीयरिंग सर्किट। अब अगर इस लेक्चर में बात करूं, मैंने एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आपके सामने रखा है, दैट इज कॉल्ड द अनदर वेरिएंट ऑफ करंट मिरर, दैट इज कॉल्ड विल्सन करंट मिरर। हाँ जी हाँ, विल्सन करंट मिरर ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं, जहां हमने विल्सन बीजेटी करंट मिरर देखा था। और अगर आप इस सर्किट को वहां से देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम सर्किट है, केवल यहां पे जो ट्रांजिस्टर थे, जो वहां पे बीजेटी था Q1 Q2 Q3, वो यहां पे एनमॉस से रिप्लेस हो गया Q1 Q2 Q3, बाकी और कोई चेंज नहीं है, राइट। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड IRF, मतलब इसमें कैसे रिलेशन जनरेट होगा, तो अगर हम इसमें रिलेशन की बात करें तो ये Q1 और Q2 करंट मिरर है, दोनों आइडेंटिकल है। दैट मींस इसका जो VGS है, अगर मैं बोलूं इसे VGS2, तो वो इसके VGS1 के बराबर होगा, राइट, क्योंकि दोनों सेम कनेक्टेड है। वहीं पे अगर आप इसको देखें, इसका VDS होगा, इसका VDS1 होगा, इसका VDS2 होगा। तो अगर इस नोड पे आप देखोगे तो इस नोड पे वोल्टेज कितनी है, इस नोड की वोल्टेज बेसिकली VDS1 ही कहलाएगी, क्योंकि अगर इस नोड से मैं KVL काउंट करूं अप टू ग्राउंड तो केवल VDS1 ही तो क्रॉस कर रहा हूं, मैं ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगा, यानी जीरो। अगर मैं इस नोड की वोल्टेज एक लेट कर लेता हूं, लेट इट सपोज जीरो, तो जीरो माइनस VDS1 इज इक्वल टू जीरो, तो VDS1 की वैल्यू ही यहां पहुंचेगी ना, राइट। अब अगर हम इस वोल्टेज को अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिस्टर लगाएं तो हियर VDS1 इज इक्वल टू व्हाट, हियर VDS1 माइनस ऑफ VGS3 माइनस ऑफ VDS2 इज इक्वल टू जीरो। यानी इस बार ये दो ट्रांजिस्टर भले ही सेम गेट पे कनेक्टेड हैं, बट इनका VDS जो है वो सेम नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन VDS1 इज इक्वल टू बनेगा VGS3 प्लस VDS2, यानी कि VDS1 और VDS2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। किस वजह से, ड्यू टू दिस ट्रांजिस्टर Q3। अगर ये Q3 नहीं होता तो ये इक्वल हो जाते, नॉर्मल करंट मिरर होता, बट अभी ड्यू टू दिस ट्रांजिस्टर Q3 ये दोनों इक्वल नहीं है, और यही हमारी इक्वेशन शो कर रही है, राइट। VGS1 VGS2 के इक्वल है, ये दोनों हमें पता है, बिकॉज ये दोनों करंट मिरर फॉर्म कर रहे हैं, तो वी नो डैट VGS1 इज इक्वल टू VDS2, बट VDS1 इज इक्वल टू VDS2 प्लस VGS3, राइट। नाउ क्योंकि यहां पे VDS1 और VDS2 सेम नहीं है, तो बेसिकली अगर मैं I0 और I रेफरेंस का रेशियो कैलकुलेट करूं तो वो रेशियो आपका ज्योमेट्री के साथ साथ VDS वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। बाय दिस फॉर्म W/L2 डिवाइड बाय W/L1 1 प्लस लैम्डा VDS2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा VDS1। तो अगर मैं VDS2 की जगह VDS2 लिखूं और VDS1 की जगह वैल्यू पुट करूं तो यहां आप देख सकते हो ये फैक्टर जो है, क्योंकि लैम्डा आपका नॉन जीरो क्वांटिटी है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा जीरो नहीं है, इस वजह से यहां पे I0 और I रेफरेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, चाहे उनकी ज्योमेट्री आप सेम भी कर दीजिए, राइट। सो दैट्स व्हाई अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, यानी I0 को I रेफरेंस के इक्वल कैसे लेके आऊं, तो मुझे इस सर्किट में कुछ चेंज करना पड़ा, जिसके वजह से हम इस सर्किट को बोलते हैं मॉडिफाइड विल्सन करंट मिरर, राइट। मॉडिफाइड विल्सन करंट मिरर, जहां पे हमने एक और ट्रांजिस्टर Q4 यहां पे मेंशन कर दिया, एंड नाउ दीज टू ट्रांजिस्टर फॉर्म अ करंट मिरर बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द सेम गेट वोल्टेज। तो इस टाइम दिस VGS3 इज इक्वल टू VGS4, राइट, दोनों की ट्रांजिस्टर वोल्टेज इक्वल हो गई, गेट वोल्टेज, और VGS1 VGS2 के पहले इक्वल था। तो अब अगर वही सेम चीज जो मैं आपको यहां पे KVL लगवा रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VDS1, तो अगर मैं यहां पे VDS1 की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, मैं यहां से KVL स्टार्ट करूं, तो यहां पे हम हमेशा मानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड VGS4। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो दिस इज VDS1 माइनस, माइनस नहीं प्लस होगा, आउटरमोस्ट साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा VGS4। उसके बाद हम इस वोल्टेज को क्रॉस करेंगे माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ VGS3। उसके बाद हम इस वोल्टेज को क्रॉस करेंगे, हो जाएगा माइनस ऑफ VDS2 इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VDS1? VDS1 बिकम्स VDS2 प्लस VGS3 माइनस VGS4, राइट। और क्योंकि इस बार VGS3 और VGS4 इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, VDS1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VDS2। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर VDS1 और VDS2 इक्वल हैं, तो ये फैक्टर अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा, दैट विल टोटली डिपेंड्स ऑन W/L2 / W/L1,
यानी कि ज्योमेट्री अगर मैं सेम कर दूं, इनका चैनल मॉड्यूलेशन सेम कर दूं, तो उस केस में हमारा करंट मिरर यानी आई नॉट इज डायरेक्टली इक्वल टू दिस आई रेफरेंस. दिस इज कॉल्ड द विल्सन मॉस करंट मिरर सर्किट. राइट, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि विल्सन मॉस करंट मिरर क्या है या बेसिक मॉस करंट मिरर क्या है. यहाँ पे केवल आपको कॉन्सेप्ट चाहिए. राइट, सो करंट मिरर का कॉन्सेप्ट विद दिस लेक्चर आपका ओवर होता है. अब हम देख चुके हैं चाहे बीजेटी करंट मिरर है या मॉस करंट मिरर है, मिरर स्टेरिंग सर्किट क्या होता है, या विल्सन करंट मिरर का मॉडिफाइड वर्जन, मतलब मॉस के केस में अगर आपको क्वेश्चन है डिफाइन द विल्सन मॉस करंट मिरर सर्किट, तो उस केस में आपको कौन सा सर्किट डिफाइन करना है. राइट, सो विद दिस आपका करंट मिरर कॉन्सेप्ट ओवर होता है यहाँ पे. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर मैं बात करूंगा द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसमें हम फिर से मॉस का यूज करके और बीजेटी का यूज करके पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, कौन कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन है, कैसे हम CMMR को कैलकुलेट करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. राइट, सो इन सभी टॉपिक को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.